हेलो गाइस, आज मैं आपको तो आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 43 करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए है। इसकी थीम है रिवर यमुना नीड्स हेल्प, मतलब जो यमुना नदी है उसको ज़रूरत है तुम्हारी, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी 24 अगस्त 2020 की थी। तो आप यहाँ पर अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट 6 to 8 की है, ये आपको पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 53, ठीक है। तो स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारे फैलने वाले केमिकल्स होते हैं वो हम रिवर के अंदर डालें, नहीं ये रॉन्ग है। तो इसमें हमें टास्क दे रखा है ऐसे ही, तो इसमें हमें ये करेक्ट बताना कि फॉल्स है ये ट्रू है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं ग्रो ट्रीज इन द रिवर, यानी कि जो ट्रीज हैं मतलब जो पेड़ होते हैं ना उनको किसके किनारे गो नदियों के, ठीक है, ग्रो करो नदियों के किनारे, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड है डंप गार्बेज इनटू द रिवर, जो गार्बेज इनको रिवर के अंदर डाले नहीं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, सही, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिवर के अंदर नहीं फेंकना है, ठीक है। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, जो कपड़े हैं उसको रिवर के किनारे धो नहीं। पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि जो पॉल्यूट हुए हैं रिवर्स फैक्ट्री वेस्ट उसमें डालें उसके साथ, ठीक है, इसका भी आंसर नो आ जाएगा, ठीक है। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड अ पॉप प्लास्टिक पैरियस हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इन टू द रिवर गार्बेज फेस्टिवल्स, यानी कि इसका भी रॉन्ग आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पार्टिसिपेट इन द रिवर क्लीनिंग रैलीज, ठीक है, आपको समझ आया होगा, इतना तो आपको पता ही है कि जो मैं आपको बाद में समझा दूँगी, अभी मैं आपको करेक्ट या फॉल्स बता देती हूँ। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीन रिवर्स, ठीक है। डिफेक्टेड नियर्स इन द रिवर, अब आगे है हमारा डू नॉट लिटल नियर्स इन द रिवर, यानी कि जो छोटी लियर होती है ना उसमें नहीं करनी, उसको फेंकना नहीं, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, सही है। बाथ एनिमल्स इन द रिवर रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं आपको इसके मीनिंग्स बताऊंगी, हमने पूरे यहाँ पर तक यहाँ तक कर लिए हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसके मीनिंग बता देती हूँ, इसका पहले का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रो नियर द रिवर इसका हमारा ट्रू है। और डंप गार्बेज इन टू द रिवर, ये जो गार्बेज होता है इनको हमें रिवर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, क्या कह रहा है, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उनको किसमें नहीं डालें, उनको रिवर्स के अंदर नहीं डालें। तो ये सही कह रहा है कि हमें उसको प्लास्टिक वेस्ट को रिवर्स के अंदर नहीं डालना चाहिए, इस पर करेक्ट कर देते हैं। वॉश काम कहते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ जो अब क्लीन क्लीन दिखेगा। गार्बेज ये हमारा रॉन्ग था इसलिए हम यहाँ पर रॉन्ग कर देंगे। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिवर के अंदर नहीं डालना है, तो यहाँ ये करेक्ट है। वॉश क्लोथ नियर द रिवर, नहीं करना है हमें वॉश क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े होते हैं वो नदियों के किनारे नहीं धोने हैं, जिससे हमारा नदी का पानी पॉल्यूट होए। अब नीचे अब देख लेते हैं पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें, पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, जो पॉल्यूट रिवर्स होता है पॉल्यूट नदियाँ होती हैं उसको फैक्ट्री वेस्ट में उसके साथ जाती है, ठीक है, करेक्ट है, सही है ये।
मतलब ये रॉन्ग है, क्योंकि पॉल्यूट कर रहे हैं ना हम रिवर्स को, किससे? फैक्ट्री वेस्ट से। हमें फैक्ट्री वेस्ट से पॉल्यूट नहीं करना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड फॉर प्लास्टिक पैरियस हार्मफुल केमिकल्स कलर्स इन टू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। यानी कि जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जैसे दिवाली हो गई, उसमें हमने बहुत सारे क्रैकर्स फोड़े, और फिर जो उसका कूड़ा कचरा है उसको किस में फेंक दिया, नदियों में। ठीक है, तो फिर उससे पानी पॉल्यूट हो जाएगा, उससे भी हमें हार्मफुल देगा वो केमिकल। ठीक है, इसीलिए हमें यह भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, पार्टिसिपेट द रिवर रेलिंग क्लीनिंग रैलीज। ये सही है, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए रैलीज में, किसके लिए? रिवर्स क्लीनिंग के लिए, यानी कि जो नदियां हैं उसको साफ करने के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रिवर्स को हमें साफ रखो रखना है। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। डिफिकेट नियर द रिवर, यानी कि डिफिकेट मतलब शौच करो रिवर के किनारे, ये कौन सा है? गलत होगा ना कि हमें शौच नहीं करना चाहिए रिवर के किनारे, गंदा पानी होगा वो गंदा हो जाएगा। डो नॉट लिटल नियर्स द रिवर, जो कूड़ा कचरा होता है, छोटे छोटे कांच के टुकड़े हो गए, उसको उसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है, किसके अंदर? रिवर्स के अंदर नहीं डालना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्ट है, सॉरी, क्योंकि उसमें डो नॉट दे रखा है, हमें नहीं करना है ये, तो ये क्या कह रहा है, हमें नहीं करना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाथ एनिमल्स इन द रिवर, ये बाथ एनिमल्स को मतलब जो एनिमल्स हैं उनको नहीं नहीं लाना है हमें, किसके अंदर? रिवर के अंदर। तो आइए एक बार मैं आपको फिर से सीधा सीधा समझा देती हूँ। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर रॉन्ग, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर करेक्ट, डंप गार्बेज इन टू द रिवर रॉन्ग, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर करेक्ट, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर रॉन्ग, पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट रॉन्ग, सॉरी करेक्ट नहीं, रॉन्ग आए पॉल्यूट का। ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं ना रिवर्स को। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक ऑफ वेरियस हार्मफुल केमिकल कलर्स इन टू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल रॉन्ग, पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज करेक्ट, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीन रिवर्स, ये करेक्ट हो जाएगा। डिफिकेट नियर द रिवर रॉन्ग, डू नॉट लिटल नियर द रिवर करेक्ट, बाथ एनिमल्स इन द रिवर रॉन्ग। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया, हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है। अब हम ना नेक्स्ट टास्क देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क से टास्क क्या है हमारा? नाउ राइट द अबव सेंटेंस ऑफ सुइटेबल कॉलम बिलू। तो आइए इसमें इस टेबल में क्या दे रखा है कि हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हार्मफुल क्या है हमारा और हेल्पफुल क्या है रिवर के लिए। तो हार्मफुल में हमारा क्या क्या आता है देख लेते हैं हम। पहले क्या लिखा हुआ है हमारा इसमें, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है दिस स्टेप आर हार्मफुल फॉर द रिवर, तो ये रॉन्ग के लिए है, और दिस स्टेप ऑफ हेल्पफुल फॉर द रिवर, ये करेक्ट के लिए है, यानी कि ट्रू के लिए है। जो हमारे रॉन्ग के स्टेप्स हैं वो हमें इसमें लिखने हैं, और जो राइट के स्टेप्स हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। जो हमने हमें करना है वो हमें इसमें लिखना है, जो नहीं करना है वो इसमें लिखना है। इसमें देखिए आपको कितना गार्बेज दिख रहा है, पेपर्स वगैरह सब है इसमें, इसमें बिल्कुल क्लीन है। वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना, क्लीन नदी हो रही है, कितना गंदा लग रहा है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, सबसे पहला है हमारा ये पार्ट, एग्जांपल आ गया स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। और सेकंड का है ग्रो ट्रीज इन द रिवर, यानी कि ट्रीज को ग्रो इन द रिवर के, जिससे जल प्रदूषित ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें से हम कौन सा लिख सकते हैं रॉन्ग में, डंप गार्बेज इन टू द रिवर, यानी कि जो गार्बेज है वो रिवर के अंदर डालो। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डंप गार्बेज इनटू दी
रिवर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डंप गार्बेज इनटू द रिवर हो गया हमारा एक पहला पार्ट तो ये हो गया। अब चलिए हम दूसरा टास्क वो देख लेते हैं पार्ट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, हम ये भी लिख सकते हैं, डू नॉट थ्रो, हम क्लीन में लिख सकते हैं यानी कि करेक्ट में, और इसमें रॉन्ग लिख सकते हैं, पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, इसमें रॉन्ग लिख सकते हैं, डू नॉट इमर्स में, इसमें भी रॉन्ग लिख सकते हैं, और करेक्ट किस में आएगा, पार्टिसिपेट में, स्प्रेड अवेयरनेस में, और रॉन्ग किस में आएगा, डिड नॉट लिटल्स नियर द रिवर, रॉन्ग हमारा इसमें आएगा, इसमें भी रॉन्ग आएगा, इसमें भी रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो हमारे रॉन्ग के ज़्यादा हो गए और करेक्ट के कम है, तब भी हमारे पूरे हो गए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टास्क देखते हैं, टास्क नंबर बी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टास्क नंबर बी। हमारा ये टास्क नंबर बी है, चूज वर्ब एंड नाउंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो अबव एंड पुट देम इनटू द करेक्ट बबल्स, एन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन टू गाइड यू। तो मतलब इसमें हमें क्या बताना है कि जो नाउन वर्ब्स हैं ना, इनमें दो वो दे रखे हैं, उसमें वर्ब और नाउन लिखने हैं कि इसमें से डंप गार्बेज वगैरह में से इन पूरे सेंटेंसेस में से क्या क्या वर्ब्स हैं और क्या ही नाउन है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं, हमें हम इस टास्क को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, अब नाउन में क्या होता है, नाउन में जो हमारा होता है, जो चीज़ होती है हमारे, नेम ऑफ पीपल प्लेस और थिंग एनिमल्स। तो इसमें हमें नेम करने होते हैं, पीपल का होता है, प्लेस का होता है और एनिमल्स का होते हैं। पीपल्स प्लेस और एनिमल्स अपने फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आए हो ये नाउन। तो आइए देख लेते हैं इनमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे लिए एक गार्बेज का जिसका कूड़ा, ठीक है, ठीक है। तो आज आगे का देखते हैं, नेम प्लेस और थिंग हो गया आपका। अब मैं आपको इसका आंसर जो बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आ सकता है, क्लोथ आ सकता है, आपको बताती हूँ मैं, इसमें क्लिक देती हूँ, क्लोथ आ सकता है, इसमें रिवर आ सकता है क्योंकि वो भी एक नाउन है, ठीक है, रिवर आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा इसमें, फैक्ट्री, ठीक है, और आ जाएगा एक एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, और एक आप खुद ढूंढ के लिखना क्योंकि एक डैश खाली है इसके लिए, ठीक है। अब आ जाएंगे हम वर्ब पे, वर्ब में हमें क्या क्या हो सकता है, वर्ब में हमें क्या मिल सकता है आप बताइए, पहले आप सोच लिए, ठीक है, फिर अब मैं आपको बता देती हूँ। वॉश आ सकता है वर्ब में क्योंकि वो वॉश धोने एक वर्ब होता है, बाथ आ सकता है नहाना, बाथ ग्रो करना, और स्प्रेड करना, उगाना, ठीक है। एक और अभी आ सकता है थ्रो, ठीक है, थ्रो भी आ सकता है, ठीक है, और एक और भी आ सकता है पॉल्यूट, पॉल्यूट लिख दे हम, ठीक है, यह हो गया हमारा। सो गाइस हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट हमारी कंप्लीट होने के लिए अगर आपको तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है।